कांग्रेस की रैली हम आपको दिखा रहे हैं। एयरव्यू मोड से ये रैली शुरू हो चुकी है और निकल के ये रैली बाघा जतिन पार्क के लिए रवाना हुई। आज सुबह ही तकरीबन 1 बजे से रैली निकलने की बात थी, लेकिन 2:30 से 3:45 बजे के बीच ये रैली जो है महात्मा गांधी मोड़ यानी कि एयरव्यू मोड़ से ये रैली निकली। और इसमें जो भीड़, जो जन सैलाब उमड़ी हुई, इसे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितने भारी तादाद में लोग जो है आज इस महारैली में शामिल हुए। साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी, जिसको आप देख पा रहे हैं कि वो मास्क भी पहने हुए हैं और ठीक MLA शंकर मालाकार के पीछे हैं और काफ़ी सुरक्षा के साथ उन्हें ले जाया जा रहा है। और इसी बीच काफ़ी धक्का मुक्की भी हो रही थी, पुलिस प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो वो भी उसी तर्ज पर था। लोकसभा चुनाव के विपक्ष के नेता और पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की सीधी तस्वीरें जो है वो अभी आप देख सकते हैं। विशाल जनसभा जो है, एक हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो महारैली निकली, महारैली बाघा जतिन पार्क में जाकर के एक जनसभा में तब्दील हुई और वहाँ पर लोगों को संबोधित भी किया अधीर रंजन चौधरी ने। और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता और नेतागण थे वो सभी इस रैली में मौजूद थे। रैली बढ़ ही रही थी और हम आपको ये भी बता दें कि सेवक मोड़ से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक जन सैलाब की तस्वीर जो है वो आप देख पा रहे हैं यहां पर। साथ ही साथ गाड़ियों में भड़ के भी, बसों में भड़ के भी लोग आए थे और सभी हाथ में कांग्रेस के झंडे को लिए हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और पीछे जितने भी दूर तक आप देख रहे हैं उतने दूर तक कांग्रेस समर्थित लोग देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ महिलाएं, पुरुष, बुज़ुर्ग भी इस रैली में शामिल हुए। और इसके अलावा वकीलों की भी एक टीम जो है वो भी देखने को मिली, वह भी रैली में मौजूद थे। और ये तस्वीर देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी समय बाद, जो कि हकीकत भी है कि काफ़ी लंबे समय बाद कांग्रेस की अकेली रैली सिलीगुड़ी शहर में इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर निकली है। और हम आपको बता दें कि सिर्फ कांग्रेस समर्थित लोग ही इसमें हैं, हालांकि अलायंस होने के बावजूद भी ये रैली में वामपंथी जो है वो नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस समर्थित लोग थे। और ये आप देख सकते हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो लीगल फोरम है कांग्रेस के तरफ से, उनके तरफ से भी ये लोग इसमें मौजूद हैं। रैली में कदम से कदम मिलाते हुए कांग्रेस समर्थित लोग रैली में भाग लिए थे। No, no, no.
बाघा जतीन पार्क में ये रैली प्रवेश करते ही यहाँ की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव जो है बस कुछ ही महीने रह गए हैं, और इससे पहले सिलीगुड़ी शहर की अगर बात करें या फिर पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो एक हम ये कह सकते हैं कि मछली का आँख ये बना हुआ है, और विभिन्न पार्टियाँ जो है वो यहाँ पर आके अपना प्रसार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री की ये गढ़ है, तृणमूल कांग्रेस का ये गढ़ है, और यहाँ पर हम आपको कुछ दिन पहले की अगर बात बताएं तो भाजपा से दिलीप घोष ने यहाँ पर एक इसी बाघा जतीन पार्क में विशाल जनसभा किया था। उसके बाद पिछले ही सप्ताह की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, और आज देखने को मिल रहा है कि आज भी कांग्रेस के द्वारा जहाँ पर मुख्य चेहरे के रूप में लोकसभा के विपक्ष नेता, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में ये विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर माटीगरा नक्सलवाड़ी के विधायक शंकर मालाकार और कांग्रेस समर्थित जितने भी नेतागण हैं वो सभी यहां पर मौजूद थे। इसी के साथ हम आपको मौजूद है, और यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि अधीर रंजन चौधरी जो कि पश्चिम बंगाल के कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ लोकसभा के विपक्ष दल के नेता है, और इन्हीं के नेतृत्व में आज यहाँ पर विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया है। सीधी तस्वीर जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो है यहाँ पर मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के साथ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, और कई कांग्रेस में शामिल होने की भी लोगों की बात जो है वो भी कही जा रही है। महात्मा गांधी मोड़ से रैली जो है वो शुरू होके बाघा जतीन पार्क में आ चुकी है। কংগ্রেস কর্মীদের কাছে অনুরোধ, পিছনে প্রচুর মানুষ, হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়েছে তাদের এই মিটিং এই সভা ভালোভাবে। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের নামে যে কথা বলা হচ্ছে এটা খালি বলা হয়েছে। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের সঙ্গে এখন আমাদের জোট নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের তরফ থেকে হয়তো আমাদের কাছে কোনো প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, সেই প্রস্তাব কী সেটা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই প্রস্তাব যদি আমাদের জোটে ভাবনার সঙ্গে, জোটের আদর্শের সঙ্গে সেখানটায় যদি মিল থাকে, জোটের আদর্শের মোতাবেক হয়, সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ জোটের নাম হবে কংগ্রেস এবং বামের জোট, বাম এবং কংগ্রেসের, সেখানে যারাই আসবে প্রথম শর্ত সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। আমরা কোনো ধর্মীয় সংগঠন যদি কোথাও জড়িত থাকে, সেই হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনই হোক, মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনই হোক, আমরা কোনো ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে নির্বাচনী জোট বা রাজনৈতিক জোট আমরা করতে ইচ্ছুক নয়। নাড্ডা যে মালদা এসেছে তার নির্বাচনের প্রচার করতে, এখানে তিনি খিচুড়িও খেয়েছেন, ঠান্ডার দিন নিশ্চয়ই বাংলার খিচুড়ি ভালো লেগেছে, কিন্তু এ বাংলায় তারা যেটা করতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। রথযাত্রার নামে ভারতবর্ষের মানুষ দেখেছে যে ভারতবর্ষে রক্তাক্ত অধ্যায় রচনা হয়েছিল, বাংলায় যেন রথযাত্রা নামে কোনো রক্তাক্ত অধ্যায় তৈরি না হয়, কোনো সম্প্রদায় সম্প্রীতির বিঘ্ন না হয়, নিশ্চয়ই বাংলার মানুষ তা দেখবে।
এ বাংলায় ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির বিষ বাসবে, আমাদেরকে বাংলার মানুষকে আক্রান্ত করার চেষ্টা করছে। বাংলার মানুষকে আমরা সেবারে সতর্ক থাকতে বলবো। সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা কখনো কোনো রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। আমাদের সমস্যা রুটি রুজির, আমাদের সমস্যা শিল্পের, আমাদের সমস্যা উন্নয়নের। আমাদের সামাজিক স্বীকৃতি চাই, রাজনৈতিক স্বীকৃতি চাই, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা চাই। সামাজিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা একটা রাজ্যের একটা দেশের উন্নয়নের সবথেকে বড় শর্ত। সেখানটায় সাম্প্রদায়িক বিভাগে সংকীর্ণ রাজনীতি শৈলতান্ত্রিক মানসিকতার কোনো স্থান থাকতে পারে না। বাংলায় আজ দুটো শক্তি, একদিকে শৈলতান্ত্রিক টিএমসি, আরেকদিকে সাম্প্রদায়িক বিজেপি, বাংলার মানুষের কাছে সবথেকে বড় বিপদের কারণ। তাই আমি মাঝে মাঝে বলি, একটার নাম আপদ আরেকটার নাম বিপদ। টিএমসি যদি আপদ হয়, বিজেপির নাম বিপদ। এই আপদ আর বিপদ থেকে বাংলাকে দূরে থাকতে হবে। দাদা, রাজ্য সরকার বারেবারে শিল্পের কথা বলছেন, রাজ্য সরকার শিল্পের কথা বলছেন, এবং দুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী এই শিলিগুড়িতে থাকাকালীন এনজিপিতে আইএনটিটিউসির কিছু নেতা এই এনজিপি জেলার পাশের পোর্টে গিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। কি বলবেন, নর্থ বেঙ্গলে যেটা ড্রাই পোর্ট করা হয়েছিল, এই ড্রাই পোর্ট করার মাধ্যমে নর্থ বেঙ্গলের বাণিজ্যের একটা বড় সুযোগ তৈরি হয়েছিল, এটা আমি অস্বীকার করব না। কারণ এখানে বিশেষ করে যে এমএসএমই সেক্টর আছে, ছোট মাঝারি যে শিল্প উদ্যোগ আছে, তাদের সরাসরি বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে, রপ্তানি করার ক্ষেত্রে এখানকার যে ড্রাই পোর্ট, সেই ড্রাই পোর্ট একটা সহায়ক ভূমিকা নিশ্চয়ই পালন করতে পারে। কিন্তু ড্রাই পোর্টের উপরে হামলা করার মধ্য দিয়ে এইখানকার তৃণমূলীরা, তারা বুঝলো না যে তারা কত বড় ক্ষতি করল। তৃণমূলী দৌরাত্ম্য, তৃণমূলী নৈরাজ্য, তৃণমূলের আক্রমণ, যে আক্রমণ নেমে এলো উত্তরবঙ্গের ড্রাই পোর্টের উপরে, তার জন্য কিন্তু উত্তরবঙ্গের একটা বড় অংশের ব্যবসার বাণিজ্যের বিরাট বিরাট ক্ষতি হবে, যে ক্ষতি অপূরণীয়। কারণ বাণিজ্যে একবার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করাটা সবথেকে কঠিন কাজ। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার পর যদি বিশ্বাসযোগ্যতা ভেঙে দেওয়া হয়, তাহলে নতুন করে সে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা কঠিন কাজ। অর্থাৎ তৃণমূলের এই দৌড়াতে উত্তরবঙ্গের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বড়সড় আঘাত নেমেল। তাই তৃণমূলের এই আক্রমণের আমি নিন্দা করি, যদিও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তার ভাইদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলছেন না। স্যার, অধিকটা বিজেপি এই যে পরিবর্তন, স্যার স্যার নরেন্দ্র সিং তোমর নে কহা হ্যায় কি খুন সে খেতি তো কিসান কংগ্রেস করতে হ্যায়, উসকো লেকার আপ ক্যা বলতে হ্যায়? দেখিয়ে পুরানা হো চুকি হ্যায়। নেই স্যার, অভি কা হ্যায়? পুরানা কাল কা হ্যায়? তো এক দিন বাত ইয়ে কি সিঙ্গু বর্ডার মে, টিকরি বর্ডার মে আর গাজীপুর বর্ডার মে 200 কি লগভগ কিসানোঁ কি মৌত হো চুকি হ্যায়। 200 কিসান যহাঁ জান গবাতে হ্যায়, আর ও ইসিলিয়ে গবাতে হ্যায় कि हमारे सत्तारूढ़ आज की जो सरकार है, ये सरकार बड़ी क्रूरता के साथ, बड़े अमानवीय तरीके से, बड़े कठोर तरीके से इन किसानों के खिलाफ अपना जंग छेड़े है, जिसके बदौलत इतने सारे किसानों को जान गंवानी पड़ी। और ये कौन सा पार्टी हमें ज्ञान देने आ रहे हैं? ये गोधरा को कम से कम याद करें। गोधरा की घटना में जिनकी हाथों खून के रंगों में रंगे हुए हैं, उनको मुंह में दोबारा किसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस तरीके की फजूल और गलत बयान देना उनको आ सकता, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उनको स्वीकारेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर में जो आज आंदोलन हो रहे हैं, ये आंदोलन हिंदुस्तान की लाखों की तादाद में हमारे किसानों ने कर रहे हैं। इसमें हिंदू है, इसमें मुसलमान है, इसमें गरीब है, इसमें रईस किसान हैं, हर तरीके के किसानों ने, मतलब 14 साल की जवान भी है, 100 साल की उम्र की, 100 साल उम्र की बुजुर्ग भी है। ये 200 किसानों की मौत होने का बाद भी आज मोदी सरकार इन किसानों के खिलाफ जिस तरीके से घिनौने कार्रवाई कर रहे हैं, जहां किसानों की परेशानियां बढ़ाने के लिए, उनको और थोड़ा कमजोर करने के लिए, जहां लोहे की कील, जहां कटीले तारों की बैरियर लगाए गए हैं,
जहां पानी बिजली सारे बंद करने का कोशिश हो रहे हैं। मकसद ये है कि किसानों थक जाए, किसान घबरे जाए, किसान प्रताड़ित हो, किसान में फूट डाले और किसान की आज की आंदोलन को कमजोर कर दे। लेकिन हिंदुस्तान की जो किसान है वो बड़ा ताकतवर होते हैं। यही किसान जो खेती करते हैं और देश की आम लोगों की खाद्य सुरक्षा की इंतजाम करते हैं, वही किसान परिवार की बेटे जो हमारे सीमा में औजार लेके हमारे देश को भी सुरक्षा देते हैं। तो वो किसान जिनका बेटा सीमा पे है और वो किसान जो सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर में हमारे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए आंदोलन और जंग लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। चाहे कोई भी बदनाम किसानों के ऊपर थोपने का कोशिश करे, हम ये बीजेपी पार्टी को ये बदनीयत की हम कामयाबी ना होने देंगे, यही हमारा कसम है। विधानसभा विधानसभा कांग्रेस और बम जोट के कोठाय देखछेन विधानसभा যেটা বলছিলাম, কয়েকদিনের মধ্যে তো নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাবে, আপনারা তো বামেদের সাথে জোটে যাচ্ছেন, সেখানে আসন সমঝোতার বিষয়টা কতদূর এগোলো বা কি দেখতে পাবেন? এগোচ্ছে তো অন্যান্য পার্টি কি ক্যান্ডিডেট ঘোষণা হয়ে গেছে? তাদের জিজ্ঞেস করছেন না? তৃণমূলকে জিজ্ঞেস করুন তাদের পার্টি কি ক্যান্ডিডেট ঘোষণা হয়ে গেছে? বিজেপিকে জিজ্ঞেস করুন তাদের পার্টি ক্যান্ডিডেট ঘোষণা হয়ে গেছে? শুধু কংগ্রেস কংগ্রেসকে তৃণমূলকে মাথা ব্যথা করুন, জোটে আসছে আসছে, জোটের প্রক্রিয়া চলছে, জোটের ক্যান্ডিডেট হবে, দেখতে পাবেন। আপনারা তো একবার বিজেপিকে কখনো তৃণমূলকে বলছেন না ভাই তোমাদের ক্যান্ডিডেট কখন ঠিক হবে, তোমরা কি করছো, তোমাদের মধ্যে মারামারি কেন, তোমাদের সব লোক পালাচ্ছে কেন, ওদের কি তো মাথা ব্যথা নেই? কংগ্রেস আর সিপিএমকে নিয়ে আপনাদের মাথা ব্যথা দেখে আমি এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে কংগ্রেস এবং বামেদের জোট বাংলায় ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। দুটো দলের সার্কাস আর জোকার অভিনয় দেখতে দেখতে মানুষ আজ হতা। জি টোয়েন্টি থ্রি নে 3 crore রুপে রাম মন্দির কে লিয়ে দিয়ে আর কংগ্রেস সোনিয়া फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस के जो पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही साथ लोकसभा के विपक्ष के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर एक सभा का भी आयोजन हुआ और रैली भी निकली थी एयरव्यू मोड से लेकर के यहाँ पर आई, उसके बाद जाके यहाँ पर जनसभा हुआ, उसके बाद जाके लोगों को भी संबोधित किया उन्होंने, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन ये बाघा जतीन पार्क में हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भाजपा से दिलीप घोष यहाँ पर रैली करके गए हैं और बीते ही सप्ताह की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसी मैदान पर सभा करके गई है और आज कांग्रेस के तरफ से ये महा रैली और सभा का जो कार्यक्रम था ये हमने आपको दिखाया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के बस कुछ ही महीने अब हाथ में रह गए हैं और बस कुछ ही दिन में जो है कैंडिडेट वो भी डिक्लेयर हो जाएंगे। इन सभी को लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं उनमें खलबली तो पहले से मची ही हुई थी, लेकिन अब जाके सभी लोग जो है वो कमर कस के पूरे तरीके से मैदान पर उतर चुके हैं, इसकी लगातार अपडेट्स जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। सिलीगुड़ी के बाघा जतीन पार्क से नेहा गुप्ता, एसके लाइव।